एक बार अमेरिका में एक आदमी को फांसी की सज़ा सुनाई गई, जिसके दौरान उस आदमी को फांसी न लगाकर एक जहरीले सांप से डसवा कर उसको मार दिया जाएगा। उस आदमी के गले में फांसी का फंदा लटकाया गया। सामने से जहरीला सांप लाया गया, उसके मुंह पर काला कपड़ा डाल दिया गया और जैसे ही सांप उसको डसने वाला था तो सांप की जगह उसको दो हाथ पर दो सुइयां चुभो दी जाती है। कुछ समय बाद में वो आदमी हिलता है और 2 मिनट बाद उस आदमी की मृत्यु हो जाती है। मृतक शरीर को जब डॉक्टरों द्वारा चेकअप किया गया कि इसकी मृत्यु किस कारण से हुई है, तो डॉक्टरों ने जांच के दौरान पाया कि इस आदमी की मृत्यु उस डर की वजह से हुई है, जो डर सांप के जहर से भी ज़्यादा इसके शरीर में बन गया था। अतः उस डर के कारण इस आदमी की मृत्यु हो गई है। अतः कोई भी परिस्थिति में इतना दम नहीं कि आपको हरा दे। आपकी अगर मन स्थिति कमजोर है तो आप स्वयं हार जाओगे। कोरोना भी कुछ इसी प्रकार से है। अगर कोरोना से आपको जंग जीतनी है तो ये जो कोरोना की न्यूज आती है कि आज कितने संक्रमित हो गए, कितने लोग इसके कारण मर गए, कौन कौन सा शव व चिताओं को जलने वाला जो वीडियो आ रहा है, या जितनी भी हम इनके खबरें पढ़ते हैं, वो आप नहीं पढ़े तो ज़्यादा बेस्ट होगा। आपको पता है कि जो जंगलों में रहने वाले आदिवासी लोग हैं या झुग्गी झोपड़ियों में जो लोग रहते हैं, उनको कोरोना बहुत ही कम आने का चांस है, क्योंकि वो कोरोना नाम का शब्द ही नहीं सुनते, कोई खबर ही नहीं पढ़ते, तो उनके मन में कोरोना का कोई डर ही नहीं है, तो उनको कोरोना होने का कोई चांस ही नहीं है। इसलिए आपसे निवेदन है कि कोरोना नाम की खबर आप जितना पढ़ोगे तो आपके मन में उतना ही डर बैठेगा, और जितना अगर आपके मन में ज़्यादा डर बैठ गया तो कोरोना होने का चांस उतना ही आपको ज़्यादा हो जाएगा। ओके, धन्यवाद।